अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। साइफर केस, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबू अल हसना ज़ुल्करनैन ने ज़बानी मुख्तसर फैसला सुनाया। कराची वालों के पास तराजू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इंतखाबी सर्वे में जीरो हैं। बिलावल भुट्टो पंजाब में जाकर तकरीरें कर रहे हैं। हाफिज नईम ने कहा कि ये जमातें 35 साल से मुसलत हैं, इनको आवाम मुस्तरद कर दें। मच्छ में बीएलए के हमले नाकाम, तमाम 7 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग से रेलवे पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाबहक और 13 जख्मी हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिराजुल हक का इमरान खान शाह महमूद की सज़ा पर शदीद अफसोस का इजहार। सिराजुल हक का कहना था कि मुकदमे की समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी ताकि अदल के तकाजे पूरे होते। हम साइफर केस पर आज़ाद गैर जानबदार कमीशन का मुतालबा करते हैं। 1 फरवरी से पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुतवक्के। निगरान हुकूमत की जानिब से 1 अक्टूबर से POL की कीमतों की अपनी आखिरी एडजस्टमेंट में पेट्रोल की कीमतों में 7.85 रुपये फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 2.06 रुपये फ़ी लीटर इजाफा मुतवक्के है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. साइफर केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी की अडियाला जेल में कायम खसूसी अदालत ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुनाई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबू अल हसना ज़ुल्करनैन ने ज़बानी मुख्तसर फैसला सुनाया। इस मौके पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी भी कमरे अदालत में मौजूद थे। इस मौके पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि हमारे वकला मौजूद नहीं है, हम कैसे बयान रिकॉर्ड कराएंगे। जज अबू अल हसना ज़ुल्करनैन ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से कहा कि आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम की गई। वकला सफाई ने सवाल किया कि हम जरह कर लेते हैं, जिस पर जज ने वकला सफाई से कहा कि आपने मुझ पर अदम एतमाद किया है। बाद अज़ां बानी पीटीआई का 342 का बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि साइफर मेरे ऑफिस आया था, लेकिन उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। इस हवाले से मिलिट्री सेक्रेटरी को इंक्वायरी का कहा था। उन्होंने बताया कि साइफर के बारे में कोई क्ल्यू नहीं मिला। अदालत ने बानी पीटीआई का 342 का बयान रिकॉर्ड करने और मुख्तसर समाअत के बाद केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई जाती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत के जज अबू अल हसनात ने केस का मुख्तसर जबानी फैसला सुनाया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल बानी पीटीआई ने साइफर केस में सरकारी वकला सफाई की तकर्री को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची वालों के पास तराजू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची वालों के पास तराजू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इंतखाबी सर्वे में जीरो हैं। बिलावल भुट्टो पंजाब में जाकर तकरीरें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जमातें 35 साल से मुसलत हैं, इनको आवाम मुस्तरद कर दें। इन पार्टियों ने पहले भी
लाशों पर सियासत की। अवामी सतह पर ये लोग नाकाम हो चुके हैं। ये चाहते हैं लोग वोट देने ना जाएं, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जमात इस्लामी ने क्लीन स्वीप किया, औरंगी टाउन में भी मुकम्मल कामयाबी हासिल की। वडेरा सोच कल भी वही थी, आज भी वही है। सिंध के लोग उनके खिलाफ निकले, वोटिंग की शरह कम कराने की साजिश हो रही है। ये चाहते हैं लोग वोट ना देने जाएं। उन्होंने कहा कि कराची के तुलबा को जालसाजी के जरिए फेल किया गया। 11वीं जमात के 70% तुलबा फेल हुए हैं। हमने निगरा वजीर आला को आगाह कर दिया है। हमारे पास हजारों तुलबा का मैट्रिक का रिकॉर्ड मौजूद है जो हम पेश करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची का मजीद कहना था कि वजीर तालीम का बयान है कि इतनी बड़ी तादाद में तुलबा का फेल होना इंसानी गलती है। एमडीकेट में 80-90% लोगों को महरूम कर दिया। फेल होने वालों में अक्सर तुलबा का मैट्रिक में बहुत अच्छा रिजल्ट था। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में मच्छ जेल समेत 3 मकामात पर कलदम तंजीम BLA ने हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में तमाम 7 दहशतगर्द मारे गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बोलान के इलाके मच्छ में पहाड़ों से कलदम तंजीम के शिद्दत पसंदों ने मुतादित रॉकेट फायर किए, जिसके बाद शदीद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गईं। बोलान के कम अज़ कम 3 मकामात पर हमला किया गया, जिसमें मच्छ जेल, रेलवे स्टेशन और डीवीज थाना शामिल हैं। पुलिस हुक्काम ने बताया था कि धमाकों और फायरिंग से शहरी खौफ का शिकार हो गए, जबकि इलाके की बिजली भी अचानक बंद हो गई थी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक हमला मच्छ जेल पर भी किया गया। BLA के दहशतगर्दों की फायर रेड की कोशिश को फोर्सेस ने पसपा कर दिया। फोर्सेस को पहले से दहशतगर्दों के हमले की इत्तला मिल गई थी, जिसके बाद अहलकारों ने दहशतगर्दों के लिए घात लगा रखी थी। इत्तला है कि दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मौसर जवाब के नतीजे में बौखला कर पसपा हो गए और तमाम 7 दहशतगर्द मारे गए, जिसकी बलूचिस्तान हुकूमत ने तस्दीक की है। तीनों वाकयात में मजमूई तौर पर 13 शहरी जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने एक हमला रेलवे स्टेशन पर भी किया, जहाँ रॉकेट हमले में रेलवे पुलिस समेत 2 अफराद जख्मी हुए। बाद अजा रेलवे पुलिस का अहलकार शहीद हो गया। अपने ट्वीट में निगरान वजीर इत्तला जान चकसई ने कहा कि बोलान के इलाके मच्छ ऑपरेशन में तमाम 7 दहशतगर्द मारे गए। इन रॉ ऑपरेटेड दहशतगर्दों को मारने के बाद अब मच्छ में हतमी क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और इलाके में सूरत हाल काबू में है। इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के बावजूद उनका नापाक मंसूबा नाकाम हो गया। अबल अजी उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की जानिब से मच्छ में एक दहशतगर्दाना हमले को नाकाम बनाने के लिए फौरी इकदाम को सराहते हैं, हमारे शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए। कलदम तंजीम BLA के दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हमारी मुसल्ला अफवाज की जानिब से लोगों की जानों के तहफ्फुज के लिए जिस जुर्रत का मुजाहरा किया गया वो काबिल तारीफ है। निगरान वजीर आला अली मर्दान डोमकी ने भी मच्छ और गिरदोनवाह में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए कहा कि महकमा दाखिला बलूचिस्तान को बहाली अमन के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत की है। तमाम सिक्योरिटी इदारे बहम राबताकारी से आवाम के जानी तहफ़ और अमन की बहाली के लिए मसरूफ अमल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुकामी आबादी को नुकसान से बचाने के लिए मोहतात अंदाज में कार्रवाइयाँ कर रही हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि बानी PTI इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सज़ा पर बेहद अफसोस है। मजीद जान लेते हैं रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि बानी PTI इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सज़ा पर बेहद अफसोस है। सिराजुल हक का कहना था कि मुकदमे की समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी ताकि अदल के तकाजे पूरे होते। हम साइफर केस पर आज़ाद गैर जानबदार कमीशन का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि साइफर केस के हकायक पूरी कौम के सामने आने चाहिए। मुल्की मामलात में अमरीकी मदाखलत 76 बरसों से जारी है। पहली बार हुआ है अमरीकी मदाखलत हमारे सरकारी हलकों में जेर बहस आई। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि PTI लीडरान को फैसले के खिलाफ अपील का हक हासिल है। फैसले आइन कवायद व जवाबित के मुताबिक होने चाहिए। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। वाजे रहे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। हुकूमत 1 अक्टूबर से POL की कीमतों की अपनी आखिरी एडजस्टमेंट में पेट्रोल की कीमतों में 7.85 रुपये फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 2.06 रुपये फी लीटर इजाफा कर सकती है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत 1 अक्टूबर से POL की कीमतों की अपनी आखिरी एडजस्टमेंट में पेट्रोल की कीमतों में 7.85 रुपये फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 2.06 रुपये फी लीटर इजाफा कर सकती है। फरवरी के महीने के पहले 15 दिन में कीमतों में इजाफा बुनियादी तौर पर गजा में फलस्तीनियों पर इसराइल के दायमी हमले और तजारती जहाज़ों पर
हौसियों के हमलों की वजह से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बताई जा रही है। बैनुल अक्वामी मंडियों ने बहरी जहाज़ों पर हमलों पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। बैनुल अक्वामी मार्केट में मोटर पेट्रोल 16 जनवरी 2024 से $6 फी बैरल और डीजल की कीमत $3.7 तक पहुँच गई, क्योंकि बैनुल अक्वामी कंपनियों ने मोटर स्प्रेड पर अपने प्रीमियम में इजाफा किया है और हाई स्पीड डीजल में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।